दोस्तों, आज हम लोग 4 जून फर्स्ट शिफ्ट का जनरल स्टडीज़ करने वाले हैं, सीजीएल 18 का, और सेकंड शिफ्ट का मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? समावयव होता है बच्चे आपका आइसोमर। आइसोमर किसका है ये? तो ये है एन ब्यूटेन का। जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये एन ब्यूटेन का आइसोमर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? तो वोडेयार राजवंश का शासन जो था बच्चे वो मैसूर में था। नेक्स्ट है कि जो श्रृंखलन का गुण है वो किस में पाया जाता है? तो कैटिनेशन जो होता है वो कार्बन में पाया जाता है। बेसिकली कैटिनेशन होता क्या है कि कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ के ना एक लंबी चेन बना देता है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास होता है, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। इसके अलावा सिलिकॉन भी ये प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन सिलिकॉन की केवल 7 से 8 की ही चेन बन पाती है। तो ये इसका बच्चे आंसर हो जाएगा कैटिनेशन वाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को जो है उसको कहा जाता है। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST पर सबसे पहले लागू किया था? तो फ्रांस ने जो बच्चे सबसे पहले आपका ये GST को इम्प्लीमेंट किया था। फेसबुक के संस्थापक, कॉमन क्वेश्चन है, मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो मोहम्मद गजनी ने किया था इस पर लूटपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो टिस्को की स्थापना की गई थी 1907 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो वो है हेमेटाइट का जो माइनिंग करा जा रहा है वहाँ पर उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में। निम्नलिखित में से तत्व एक उपधातु है? तो ये उपधातु यानी कि एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड। तो मेटलॉइड के अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, उसको हम उपधातु कहते हैं, वो है सिलिकॉन। ठीक है, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसकी जो रिपोर्ट है वो आपराधिक एवं न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशिया OCA ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझोउ चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो क्रिकेट को बच्चों हटाए जाने के बाद हांगझोउ चीन में आयोजित होने वाली एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो क्रिकेट इसका आंसर होगा। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध है? तो थोड़ा जो है बच्चे वो लोक नृत्य है आपका हिमाचल प्रदेश का। जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबल प्राइज दिया गया? तो फिजिक्स में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, सर जे थॉमसन ने। ठीक है, तो इसके लिए इनको दिया गया था नोबल प्राइज। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट का प्रस्ताव पास किया गया था? तो पहले थे बच्चे एकमात्र जो वो थे उनका नाम था जस्टिस रामास्वामी। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक आयोजित हुई भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती इंडो कॉर्पोरेट के संस्करण का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। तो कौन सा संस्करण था ये? 33वां था, 33। फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वीं GB मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो कविंदर सिंह बिष्ट थे, उन्होंने ये जीता था फिनलैंड में। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटका का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो रानी दुर्गावती थी, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? तो मुंबई जो है सस्ते शहरों में से नहीं है, नहीं पूछा है, में से एक नहीं है, तो मुंबई इसका आंसर होगा।
मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां हैं, तो जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं वो है कृष्णा की, मूसी और भीमा। मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, तो प्रमोद सावंत को बनाया गया था उनके निधन के बाद। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक रूप का नृत्य का एक रूप है, तो वो है छम नृत्य जो है बच्चे, वो आपका हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है जो कि बुरी आत्माओं को भूत प्रेत को भगाने के लिए किया जाता है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है, तो सुंदरी जो प्रजाति है मैंग्रोव वन जो होते हैं वहाँ पाई जाती है पेड़ों की प्रजाति। 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो आनंद मोहन बोस द्वारा, ठीक है ना, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, तो वो थी पहली थी सुंदरी नंदम। बच्चे अभी करंट पूछे तो किरण बेदी हो जाएगा, और ये पूछा इसने पहला पूछा तो सुंदरी नंदा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के 4 जून के, इंग्लिश और बाकी के मैं अपलोड कर रहा हूँ मैं। और बच्चे अगर आपको कुछ सजेशन आपको देना है इसके रिगार्डिंग कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चे, ठीक है। ठीक है, मैं रखता हूँ।